किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग अभी भी चल रही है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई। तो आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर लगातार गहमागहमी बनी हुई है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक किसानों की लड़ाई पहुंच चुकी है। कृषि कानून के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हो चुकी है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इसको लेकर के क्या रहने वाला है। आपको बता दें अब भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना लिया है और भाकियों की तरफ से स्पष्ट कहना है कि अब इसका हल कानूनी प्रक्रिया के जरिए से ही निकाला जाएगा और इसमें अब जरूरी है कि कोर्ट हस्तक्षेप करे। इस बीच आपको यह बता दें कि अब 15वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। कल एक बैठक जरूर हुई थी जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली जिसमें पीयूष गोयल और पीयूष गोयल के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत जुड़ गए हैं जो इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर है। लगातार बीते लंबे वक्त से भाकियों के नेता और उसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के तमाम किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वहीं से एक याचिका कोर्ट तक पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। आपके पास से जानकारियां जीत। जी मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर में 16 दिन से किसान आंदोलन पर जारी हैं। कहीं ना कहीं सरकार से वार्तालाप के जरिए बात नहीं बनी इनकी, ना कोई बात मानी गई, इन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं जिस तरीके से। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल के जरिए पहला कदम उठाया है इन्होंने कि हाईकोर्ट के जरिए एक याचिका जो दायर की है, सीधा बात करते हैं क्या फ़ायदा मिलेगा उससे और किस तरीके से वो होगा। सर आपकी तरफ से जो आपकी मांगे हैं कृषि बिल को लेकर के आपने एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो याचिका दायर की गई है तो वहाँ कोई फायदे क्या एक रणनीति है जो ये किया गया है? जो ये मुद्दा हमारा 3 अध्यादेश का है जी, ये सरकार को सुननी चाहिए बात। जो याचिका इसलिए तो दिया है कि ये सरकार हमारी सुने और वापसी ले बिलों। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये याचिका दायर करने से सरकार तक भी एक संदेश पहुंच सके, क्योंकि आप हर एक प्रयास कर रहे हो अपनी मांगों को लेकर? मांगे जब तक हमारी नहीं पूरी होने की, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये आपका जो कदम है जो आपने याचिका दायर किया, हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया है, कहीं ना कहीं सुनवाई आपके खिलाफ आपके हित में होगी? हित में होगी, आर पार करके जाएंगे, ऐसी कुछ नहीं। सर क्या कहेंगे? हम किसान हैं, सीधे किसान हैं, हम राजनीति नहीं करते, हम एकदम शुद्ध किसान हैं। ना हमने कोई पद लिया किसी भी पार्टी में, इसमें हम किसान यूनियन में जुड़े हुए हैं, हमने इसमें भी कोई पद नहीं ले रखा, साधारण तरीके से संगठन में जुड़े हुए हैं। और जो लड़ाई हमारी किसानों की, इसको हम कहीं भी लड़ सकते हैं। तो एक आपने ये कैसे सोचा कि मतलब हाईकोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिलेगा, आपके हित में बात आएगी? हाईकोर्ट में तो सभी जावे, सभी इंसाफ की वजह से जावे, यही हमारा लक्ष्य है। तो 16 दिन हो गए अभी आंदोलन करते करते, अचानक से याचिका दायर की गई। देखो यो तो जो हमारे बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, जो पूरा तो उन्हीं को पता, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है जो हमारी मांग है वे पूरी होनी चाहिए, होंगी पूरी, हमें विश्वास है हमारी मांग पूरी होंगी, हमारी हाईकोर्ट भी मदद करेगा और सरकार से भी विश्वास है, सरकार भी हमारी बात। अजीत, बात हाईकोर्ट की नहीं है, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है और सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में अगर याचिका पहुंचती है तो सीधे सीधे कानून को लेकर के फैसला होगा और एक बार फिर सीए के बाद दूसरा ऐसा मामला रहने वाला है जो अब सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इसको लेकर क्या होगा। अभी धारा 370 को लेकर के भी मामला कोर्ट में चल रहा है, सीएए भी कोर्ट में पहुंच गया है और अब कृषि कानून भी। अजीत, हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपको सफलता मिलेगी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो दायर याचिका की गई है आपकी तरफ से? सफलता तो मिलनी चाहिए, सफलता मिलेगी जी। तो आपको ये लगता है कि मांग जो है वो
कि लंबे समय तक चलेगा, आपको जो इंसाफ है कितने दिन की लड़ाई होगी? लड़ाई हमारी आर पार की है, चाहे कितना भी समय लगे, हमारा पूरा जीवन भी इस लड़ाई में लग गया तो हम पूरा जीवन भी अपना लगाने लेते हैं यार। तो अभी तक की जो प्रेस वार्ता में, जो अभी तक की जो बैठक में आपकी जो बेनतीजे सारे बेनतीजे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की क्या लगता है आपको, खामियां नजर आ रही है क्या? सरकार सुन नहीं पा रही, सरकार की भूल है। सरकार के दिमाग में बात यह है कि ये जो किसान परेशान हो गए यहाँ चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। जो किसान यहाँ अड़ा हुआ है वो अड़ा रहेगा, और जो हमारे किसान भाई गांवों में अपने काम काज कर रहे हैं, जो हमने ही छोड़ रखे अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चे, वे भी यहाँ आने को तैयार हैं। वे हमने काम के लिए वहाँ छोड़ रखे, मतलब सिस्टम वहाँ का बना कर रखो, वे काम काज करने वाले हैं। खेती उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने की कटाई और गेहूं की बुआई चल रही है, किसान अब थाली में नहीं है। हमारा भी यहाँ पड़ने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ट्रैक्टर भी यही है, ट्रॉली भी यही है, हम भी यही है। हम किसान है, खुद अपने हाथ से काम करते हैं, नुकसान हमें बहुत बड़ा है, पर हम झेल लेंगे। हमें तो झेलने की आदत है, किसान तो झेल जाएगा, पर सरकार देखकर सरकार कैसे झेलेगी। सर, मेरे साथ कुछ और किसान हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या लगता है आपको तमाम जानकारी के लिए? तो हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, और इस बीच लगातार स्थिति खराब होती हुई ही नजर आ रही है।